अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा सैफी। और मैं हूं मोहम्मद यासर जी। और हमारी तरफ से आपको एक मरतबा फिर ईद की बहुत सारी मुबारकबाद जी। ईद के दिन चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है और ईद उल अज़हा के मौके पर जिसको मीट ईद भी कहते हैं हम, इस पे जो है वो बहुत सारी दावतों का सिलसिला जी जारी होता है और आने जाने का सिलसिला ज़्यादा इसलिए बढ़ा हुआ होता है क्योंकि बारबेक्यू और जो है वो उसकी दावतें चल रही होती हैं और पता नहीं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि जो हम जिनका मज़ा हम मीठी ईद पर नहीं ले पाते, लेकिन इस ईद पर इसलिए ले पाते हैं क्योंकि इस ईद पर मीट का जो मज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि आप अपने साथ साथ उन गरीबों को भी याद रखें जो पूरे साल जो है वो गोश्त से महरूम रहते हैं या फिर दो वक्त के खाने से भी महरूम रहते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो आपने अपनी कुर्बानी की है उसमें से हिस्सा यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों और उनको उन लोगों को भी दें जो कि मुस्तहक हैं आपकी इस कुर्बानी के ख़ास तौर पे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो हमने पहले भी बताया था कि कुर्बानी जो है जो सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं वो नाम ही खुशियाँ बांटने के लिए होता है, वो नाम ही अपने आप को किसी चीज़ से रोक कर दूसरे की मदद करने का होता है। तो ये इस ईद पर मैसेज आपने ज़रूर याद रखना है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये कुर्बानी का जो मशरफ है, जिसका मकसद है, इसको समझने की ज़रूरत है। और यकीनन इसका मकसद महज गोश्त खाना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का सबक हमें मिलता है। जैसे बड़ी ईद की अगर बात कर ली जाए तो पूरा रमज़ान मुबारक रोज़े रखने के बाद जो ईद मनाई जाती है उस सब्र का एक बेहतरीन आपको सिला मिलता है। इसके साथ साथ बड़ी ईद की अगर बात कर ली जाए तो यकीनन इसमें गुरबा और मसाकीन का हमने ख्याल रखना है और ये पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। ये एक सबक हमें मिलता है कि हमें पूरे माशरे का इसी तरह ख्याल रखना है, ना सिर्फ गोश्त बल्कि अपने जो हमारी जायज़ और हलाल कमाई है उसमें से भी हमने गरीबों का और मुस्तहकीन का हमने हिस्सा रखना है ताकि माशरे में मियां नबी एक मसावी हूक सबको मिले और इसमें गुर्बत में कमी हो सके ताकि लोग यहाँ पर जो है उनका मियार ज़िंदगी बेहतर हो सके। ये तो एक इसका दीनी पहलू हो गया। इसके अलावा और भी कुछ हमारी माशरती जिम्मेदारियाँ हैं जिसको हमें ईद के ऊपर ख़ास तौर पर नहीं भूलना चाहिए और वह हैं सफाई के हवाले से। इस वक्त सबसे बड़ा मसला शहर कराची का यह है कि ईद के बाद और हल्की बारिश होने के बाद यहाँ पर जो सफाई के इंतजाम हैं वो तो मेरे सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने हिस्से का काम करें ताकि इस वक्त शहर की सूरत हाल है उसमें थोड़ी बेहतरी आ सके। बिल्कुल आपने सही कहा। साथ ही साथ जी जिस तरह से आलाइशों का सिलसिला इस वक्त जारी है, तीनों दिन कुर्बानी की जाती है, ना सिर्फ पहले दिन बल्कि दूसरे दिन तीसरे दिन तक ये कुर्बानी का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा और लोग अपनी अपनी हैसियत में अपनी अपनी फीसबिलिटी के साथ और अपनी अपनी जिस तरह से उनके लिए ईज होता है उस लिहाज से जो है वो कुर्बानी करते हैं। कुछ लोग पहले दिन करते हैं, कुछ लोग दूसरे दिन करते हैं, कुछ तीसरे दिन करते हैं। अच्छा, और इतफाक से ऐसा है कि अब आज हालांकि फ्राइडे है, ये 3 डेज़ तो छुट्टी के मिले लेकिन अब ये सिलसिला जारी रहेगा संडे तक क्योंकि 2 दिन जो है वो छुट्टी आ रही है, वीकेंड आ रहा है, तो लोग का वो सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन ये है कि जो कुर्बानी आप कर रहे हैं और जिस तरह से आप अपने घर के बाहर या सड़क पर जैसे भी आप जहाँ भी आप कर रहे हैं उसके बाद आप जो है वो उसकी सफाई का ख्याल इसलिए खुद भी रखें क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। लोग ये समझते हैं शायद कि जी हमने कुर्बानी की है उसके बाद बस हमने यहाँ तक फरीजा अंजाम दे दिया, क्या सफाई की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हुकूमत की हो गई है या मुतल्लिका जो आपका इलाका है उनकी हो गई है। नहीं, आपको भी उसमें कोऑपरेट करना है। एक तो कोशिश ये करें कि मैं देख रही थी आते जाते मेरे ऑफिस से, जब मैंने ये देखा कि लोगों ने बीच सड़क पर जो है वो कुर्बानी की हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो रोड जो है वो आपका मतलब आपकी जागीर हो गया है। आप कोशिश ये करें कि जो अपना अहाता है या अपने साइड आपकी जो बाउंड्री है, जो जगह है, जो प्लेस है, वहाँ जो है वो आप करें कुर्बानी क्योंकि उसके बाद जो ब्लड होता है और जो जितनी भी आलाइशों का आलाइशें होती हैं या जो भी खाल है या गोश्त है जो भी आपने उसका बनाना है करना है वो चीज़ें साइड पर ही सिमटी हो, ये ना हो कि जो ट्रैफिक आ रही जा रही है, जो मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक आ रही जा रही है वो बाउंड हो या उनको दिक्कत हो, आपकी वजह से लोगों को दिक्कत हो। ये कोशिश करें कि ऐसा ना हो।
क्योंकि मैंने देखा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सिलसिला जो है वो स्टक होने का इसलिए भी रहा क्योंकि लोगों ने मेन शहराओं पर, मेन रोड्स पर, मेन चौराहों पर जो है वो ज़िबा किए जानवर, जिसके नतीजे में इतना स्टक हुआ है ट्रैफिक। मतलब आराम से नॉर्मल रोड्स जो है, गलियां जो है, उनके अंदर भी हो गया क्योंकि उन्होंने वो ध्यान में नहीं रखा कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। अब ये चीज़ भी आपको आके हुकूमत नहीं बताएगी, ये चीज़ भी आपको आके कोई गाइड नहीं करेगा, ये तो आपको खुद शऊर होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो आपने चीज़ों को मैनेज करना है ताकि दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल, ये आपकी एक बहुत बड़ी माशरती जिम्मेदारी है और बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हर साल हमारे लिए यही मसला कुर्बानी के बाद बना रहता है कि इस वक्त सफाई के क्या इंतजाम किए गए, और हमेशा हम हुकूमत की तरफ देखते हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझ लेने की ज़रूरी है कि ये जो सफाई का ख्याल हम रखते हैं महज अपने घरों तक, अपने सहन को धोने तक, इससे बात थोड़ी सी आगे जानी चाहिए। ये बात यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि जैसा भी रिदा ने कहा कि कहीं पर बीच सड़क के ऊपर कुर्बानी है, अपने घर के बाहर जो है वो तमाम चीज़ें ला के घर से हटा के दूसरे के घर के आगे डाल दी गई हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा पूरा जो महल्ला है या पूरा हमारा इलाका है वो इससे ख़राब हो रहा है। तो इसकी ज़िम्मेदारी भी हमें उसी तरह लेनी होगी जैसे हम अपने घर की ज़िम्मेदारी लेते हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी निशानदेही की गई, क्योंकि बारिश के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है और शहर कराची की बिलखसूस अगर बात कर ली जाए तो जैसी इस वक्त शहर का हाल है वो सबके सामने ही है। मेरे ख्याल में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त सफाई के हवाले से क्या इंतजाम किए गए और शहर की इस वक्त क्या मजमू सूरत हाल है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को अब हमें समझना होगा ताकि ये जो मसाइल हमने खुद अपने लिए खड़े किए हैं या पैदा किए हैं इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। और साथ में एक चीज़ और कि ये क्योंकि आज तीसरा दिन है, आज भी कुछ जगहों पर कुर्बानी होगी, तो कुर्बानी के बाद जितनी भी आलाइशें वगैरह हैं इसको ठिकाने लगाने के लिए थोड़ा सी आपको खुद जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि इस वक्त अगर हुकूमत की बात कर ली जाए तो उनकी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है और उसके ऊपर कल बड़ी तफसील से गुफ्तगू भी हुई है। जी एग्जैक्टली, और साथ ही साथ चूना आता है जो कि बड़ा ही सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं है, और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जब आप कुर्बानी करते हैं उसके बाद जब आप सफाई वगैरह कर लें वो जो जो ब्लड रह जाता है और जो जरासीम रह जाते हैं उनको, उस ब्लड को भी जो है वो सुखाने के लिए और जो जरासीम रह जाते हैं उनको उबारने के लिए ख़ास तौर पे चूना आता है, सफ़ेद चूना, और वो बड़ा सस्ता होता है। 50 रुपए का भी आप लेंगे तो वो बहुत होगा। वो चूना हर कोई अपने दरवाजे के आगे खुद डाले जहाँ पे आपने कुर्बानी की है, तो वहाँ पर सफाई भी रहेगी और साथ ही साथ जो मज़ीद जरासीम बढ़ने का खदशा होता है, अंदेशा होता है, वो नहीं होगा। साथ ही साथ जो खून होगा, जो ब्लड होगा, वो भी जो है वो उसमें जज्ब हो जाएगा और उससे जो है आपका जो वापस से जो एरिया होता है वो मिट्टी में मिलकर वो बिल्कुल साफ़ कर देता है उस जगह को। तो ये ज़रूर ख्याल रखें, चूने का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि वो चूना जो है वो जरासीम को भी मारता है, फिर बताऊँ खून को भी जो है वो जज्ब करता है, और वो बहुत बेहतर तरीका भी होता है कि आखिर में अगर आपने सफाई कर ली और इसके बाद भी जगह जो है वो साफ़ नहीं हुई तो वो डालकर जो है आप इजीली जो है वो उसको एक्सेस भी आपके पास होगा, वो मिल भी जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हुकूमत का ही इंतज़ार करें कि कोई आए और आके आपकी मदद करें, अपने तई आप वो 40-50 रुपये का चूना लें और वो डालें और बड़े ईजिली उसकी सफाई करें। ये मुनासिब बात है कि आप इसके इंतजाम खुद करें, और जैसा भी आपको बताया है कि इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है, अगर हुकूमत के आप इंतज़ार में रहेंगे यकीनन उनकी भी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। सफाई के हवाले से इंतजाम किए जाने चाहिए थे जो कि नहीं हो सके, लेकिन बहरहाल इसमें आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी किसी और की जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और अच्छा शहरी होने का सबूत दें। अच्छा शहरी होने के नाते जिस तरह आपने और भी बहुत सारी चीज़ों में कोशिशें की हैं, जिस तरह हुकूमत साजी के अंदर आपने काम अपना किया, अपने फ़राइज़ जो है वो आपने अंजाम दिया, इस तरह सफाई के हवाले से भी आप पे भारी जिम्मेदारी। बिल्कुल जी, ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद यहाँ पे मेहमानों का रश होगा और मेहमान होंगे और मुख्तलिफ शोबाजात से मेहमान आज यहाँ पर होंगे जो बताएंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी है, वो ईद किस तरह मनाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके यहाँ क्या चल रहा है। जी लेकिन सबसे पहले आज के वार्डरोब की बात कर लेते हैं। आज का ब्यूटीफुल सा वार्डरोब विद ब्यूटीफुल कलर स्पॉन्सर किया हमें सनोवर सिद्दीक ने, मेरी बहुत प्यारी सी डिजाइनर है जी, हमेशा कच्छ पे काम करती हैं, ईद के लिहाज से बड़ा ही फैबुलस जी ड्रेस डिज़ाइन किया गया है और इसके कट्स बहुत प्यारे, स्टाइल बहुत प्यारा है एंड कलर इज़ ग्रेट।
फेस्टिव कलर्स प्यारे प्यारे से जी ये चल रहे हैं इस वक्त, पर्पल ब्लू ये सारे कलर्स, पिंक ये इन है आजकल, ऑरेंज भी इनफैक्ट, तो ये कुछ 4-5 कलर्स हैं जो कि बहुत प्यारे से हैं और फिर फैब्रिक बहुत प्यारा किया है। तो थैंक यू सो वेरी मच सनोबर फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। आप इनकी ऑनलाइन स्टोर पर भी जा सकते हैं, इनकी ईद कलेक्शन इस वक्त है भाई, आप जाएँ जाके देखें, विजिट करें, परचेज करें, जो भी आपको आउटफिट पसंद आ रहा है। बिल्कुल जी, और डिज़ाइनर की बात हो रही है तो आज का जो मेरा ड्रेस है वो डिज़ाइन किया अकबर एंड बाबर ने, A&B डिज़ाइनर हैं इसके, और ये आप देख सकते हैं आउटफिट और ब्लू कलर स्पेशली ईद के लिए, क्योंकि डार्क कलर्स जो हैं वो इस ईद पे इस वक्त ज़्यादा वेयर किए गए हैं, रीज़न कि गर्मी जो है वो अब काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गई है, और ब्लू कलर मेंस फेवरेट एज ऑलवेज, तो ब्लू कलर फॉर ईद थर्सडे। थैंक यू अकबर एंड बाबर फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। जी तो फिर ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद यहाँ मेहमान होंगे, उनसे चिटचैट करेंगे, आपके पसंदीदा मेहमान जिनको आप मुख्तलिफ शोभाजात में देखते रहते हैं, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और ईद मुबारक आप सबको जो जो लोग देख रहे हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि एक इंडक्शन और हो गई है सेट पर आज हमारे साथ साथ, तो ये कौन है जो कि होस्ट करने के लिए आ गया शो है? बिल्कुल जी, अपना इंट्रोडक्शन कराएंगी। हाँ। और मरियम सबसे पहले अपना नाम बताएं। मरियम। अच्छा मरियम सोच में पड़ गई कि मेरा नाम लेके। मरियम कैसी गुजर रही है ईद? अच्छी गुजर रही है। ये ड्रेस आपने किसकी पसंद से पहने, मम्मी या पापा की पसंद से? भाई की पसंद से। कलर तो बहुत प्यारा पहना है। वैसे अभी जो आपके सारे दोस्त देख रहे हैं और जो बच्चे देख रहे हैं उन सबको क्या ईद मुबारक कहना है? आपने कह दें ईद का दिन है आज। ओ वाओ, ईद मुबारक। बिल्कुल ईद मुबारक। और आप ये बताइए कि कौन सी क्लास में हैं आप? 4S में। अच्छा, और ये चूड़ियां किसने दिलाई? पापा ने दिलाई है। ठीक है, पापा कौन है? सही है। अच्छा पापा कौन है ये अभी आपको जो है ना पता चलेगा कि आज जो हमारे साथ नन्नी मुन्नी सी प्यारी सी जो बैठी है मरियम, इनके पापा से भी मुलाकात कराएंगे, और यहाँ पे आज मुख्तलिफ शोभाजात से लोगों को हमने बुलाया है जी के वो कैसे ईद मनाते हैं, और हमारी ईद तो आपके सामने चली रही है 3 दिन से, तो उनका भी तारुफ कराते हैं बगैर टाइम डिले। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सना नूर है, फैशन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, डिज़ाइनर है आजकल, उनके ब्रांड का नाम भी बड़ा अच्छा है रेस करके है, और बहुत अच्छे डिज़ाइन जो है वो बनाती हैं, हमारे साथ ऑन बोर्ड भी होती हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच सना, आपने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और आप सबको भी ईद मुबारक। हाय मुबारक। उनके हमरा बैठे जी इम्तियाज़ मीर साहब हैं, एंकर पर्सन है, दो निजी चैनल से अपना प्रोग्राम भी करते हैं माशाल्लाह से, सहाफी है सीनियर, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच इम्तियाज़, बड़ी मेहरबानी आपने बुलाया, आपको ईद मुबारक और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। इतनी जबरदस्त ईद मुबारक, मेरा ख्याल है अभी तक जितने प्रोग्राम्स गए उसमें सबसे अच्छी जो ईद मुबारक है वो जोरदार दमदार।
और जी साथ ही बैठे हैं तारिफ के मोहताज नहीं, हमारे मरियम के पापा होते हैं, मरियम मरियम के, ये अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है आज, मरियम के पापा बैठे हैं जी, नदीम मौलवी साहब बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, पाकिस्तान टेलीविजन से अपना प्रोग्राम करते हैं जी, और साथ ही साथ एनालिस्ट भी, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब आपने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आप लोग सबको और खास तौर पे नाज़रीन को, ईद मुबारक, बिल्कुल जी, अहले वतन में वतन से बाहर जहाँ जहाँ आप सब बसते हैं आप सबको बहुत सारी ईद की मुबारकबाद, और आज जो है वो ईद का तीसरा दिन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर पड़ोसी मुल्क में बात कर लें, भारत के अंदर भी, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एक दिन पहले ईद का सिलसिला शुरू हो गया था, यानी कि अगर तुर्की की बात करें, हम इसलिए बात करते हैं कि ये बरादरी हमारी मुस्लिम बरादरी है उसकी खासतौर पर, तो वहाँ पर जो है आज जो है ईद का चौथा दिन है, तीन दिन गुजर चुके हैं, वहाँ पर एक दिन पहले शुरू हो गई थी ईद उन्होंने मनानी, तो यह है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ ईद का तीसरा दिन है जी, हमारे यहाँ भी भारत में भी और मुख्तलिफ ममालिक में आज ज़्यादातर ईद का तीसरा रोज़ बनाया जा रहा है, साथ ही साथ जी कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है, और जिन लोगों ने कुर्बानी कर ली है वो तो निमट गए होंगे, अब आराम कर रहे होंगे, क्योंकि इस ईद पर यही होता है कुर्बानी करें और सोएं, ये दो काम होते हैं ज्यादा से ज्यादा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यही काम होते हैं, और ईद के दिन बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर बड़ी ईद के दिन मशगूलियत ज्यादा होती है, तो हम अपने तमाम ही मेहमानों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, और जैसे मैंने अर्ज किया कि ईद के तीनों दिन ही मसरूफ होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पहले दिन, कुछ के यहाँ दूसरे दिन, और कुछ लोग तीसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं, तो यकीनन हमारे मेहमान भी इस हवाले से लिए तो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, हमेशा ही वक्त निकाल कर हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते हैं, लेकिन आज क्योंकि ईद का दिन है और ईद का तीसरा दिन है, और हमारी कोशिश ये रही कि तीनों दिन आपके लिए लाइव प्रोग्राम लेकर आएँ और रोज़ाना आपसे मुलाकात हो सके, तो आज हमारे दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम भी आपके सामने मौजूद हैं, तो इनसे गुफ्तगू भी होगी बहुत सारे मौजूदात पर, और इनसे ये भी जानेंगे कि ईद कैसे मनाते हैं, सना आपसे शुरू करते हैं, सबका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, डिज़ाइनर्स के लिए तो खासतौर पर ईद बड़ी मसरूफ रहती है उनकी, और चाहे छोटी ईद हो बड़ी ईद हो कैसे टाइम मैनेज करती हैं बताएं? बस चांद रात तक तो ये होता है कि कुछ नहीं पता होता, क्योंकि ऑर्डर्स और जो कुछ भी काम होता है तो वर्कशॉप पे होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और छोटी हो या बड़ी ईद हो कपड़े उतने ही बनने होते हैं, उतने ही चाहिए होते हैं, थोड़ी सी थीम चेंज हो जाती है, बड़ी ईद पर ये होता है कि थोड़ा लाइट पहनना लोग पसंद करते हैं, बाकी सब ये है कि उसी तरह मेहनत हो रही होती है, उसी तरह काम हो, सुबह फर्स्ट डे मेरी कुर्बानी, हमारे घर में कुर्बानी होती है और रात को ये काम हो रहा है। ठीक है इम्तियाज, आपकी जाने पढ़ूंगी मैं, इम्तियाज आप बताइए ईद कैसी गुजरी? मुझे बताऊँ मैं, दो दो जगह पर प्रोग्राम करना बड़ा मसला होता है, मुश्किल होता है क्योंकि मैनेज करना टाइम को, और आप तो इस वक्त छाए हुए हैं हर तरफ, तो आपकी ईद कैसी गुजर रही है और कुर्बानी किस दिन की? देखें पहली बात ये है कि ईद बड़ी मसरूफ गुजरी है, टीवी चैनल्स में गुजरी है, तो मैं तो आपको बताऊँ नमाज पढ़ के। दूसरी बात ये है कि पहले समझें कि ईद है क्या, कुर्बानी ईद है क्या। देखें ईद उल अज़हा है कुर्बान, अपने आप को कुर्बान करने का, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसके साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसकी याद दिलाता है कि भाई, और उसी नस्बत से हम कुर्बानी करते हैं। देखें अल्लाह को किसी गोश या खून की जरूरत नहीं, नीयत की जरूरत है, हम किस नीयत से करते हैं। और दूसरी इस्लाम दीन है जो है ना सादगी का, दूसरों की खुशी कंट्रीब्यूट करते हैं, हम कंट्रीब्यूट नहीं करते खुशी, यानी कि आपने जानवर ज़बह किया पहला हिस्सा भी अपने पास रखेंगे, दूसरा भी तीसरा भी अपने पास रखेंगे, लोगों को याद नहीं करते। हम उसी के घर गोश्त भोजते हैं जिसके घर में पहले ही होता है जी, हम उन गरीबों को याद करें जो गरीब हो पूरी दुनिया के अंदर। इस दफा देखें तो वो तो हर साल ही होता है, तकरीबन 20 लाख लोगों ने फरीजाए हज अदा किया, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम, बड़े सगीर के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, ये खुशी का दिन है, और इस खुशी के दिन को हम सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट तब होगी हमारी खुशी जब हम बच्चे देखते हैं, जब छोटी बेटी, आपकी फैमिली, हमारी फैमिली, उनकी खुशी कितनी अजीज होती है, जिनके घर में कुछ नहीं होता उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी औलाद होती है, उनके भी माँ बाप होती हैं, उनके पास गोश्त भी नहीं होता, चीज़ें भी नहीं होती, जिस तरह हम लाइफ गुजार रहे हैं इसकी कुछ हिस्सा अगर उनको दे दूँ तो क्या इसमें क्या हो जाता है? बिल्कुल कुछ नहीं होता, हमारी खुशियाँ कम नहीं होती, हमारी खुशियाँ बढ़ेंगी। हम दिली खुशी तब होती है जब दूसरा खुश, देखा दूसरी हमने खुशी को जो है ना घर तक महदूद कर दिया। बिल्कुल आपने सही कहा, नदीम साहब आपकी जाने माऊंगी, आप क्या कहेंगे? मेरी खुशी मेरे बच्चे, और जब मैं मेरे बच्चे कहता हूँ तमाम मुल्क, तमाम दुनिया के बच्चे, जिस तरह मरियम मेरी बेटी है, मैं तकरीबन मैं सभी बेटियों को अपनी बेटी की तरह समझता हूँ, और इनकी मुस्कुराहट मुझे मुस्कुराने पे मजबूर करती है। अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ बड़ी ज्यादतियाँ करते हैं,
सिर्फ उनके कल के फिक्र से कि कल क्या होगा, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, कल क्या होगा, मेरा बच्चा खाता नहीं है, कल क्या होगा, और आज ही को भूल जाते हैं। आज बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, कल तो अल्लाह है ना, अल्लाह पे एतकाद रखे, हमें अल्लाह के ऊपर एतकाद तो है, पर पता नहीं क्यों फिर भी हर चीज कल की खातिर आज को खराब कर रहे हैं। कभी बच्चों से लड़ रहे हैं, कभी घर में माहौल खराब करे। मेरा एक ही मकसद होता है, आज को एंजॉय करो, हंसी मजाक करो, खूब लाइफ को एंजॉय करो, कल अल्लाह पाक पे छोड़ दे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अय्याशियां करें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बच्चों को पूरी छूट दे दें, हर चीज दें, पर ये जो मुस्कुराहट है ना, ये बच्चों से। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तरबियत में अपना किरदार होना चाहिए, और यकीनन तरबियत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जिसका भी आपने तस्करा किया, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कुर्बानी का जो मसरफ है, जो मकसद है, वो समझाना हम सब के लिए ज़रूरी है, ताकि बच्चों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। और क्योंकि ये एक बड़ा अजीम वाक़िया है, इसका बड़ा तफसील से जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में बच्चों को बताना ज़रूरी है। बहरहाल आपने बिल्कुल ठीक कहा, और दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम लोग बहुत दूर तक सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट साइटेड हम लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि बच्चों के कल का क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा, क्या प्लानिंग करनी। ऐसा नहीं होना चाहिए, तरबियत में अपना किरदार ज़्यादा ज़रूर अदा करें, पार्ट अपना प्ले करें, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। जैसे आपने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला सारे मामला चलाता है, तो यकीनन आगे भी उसने कोई ना कोई प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा जी, सना की तरफ आ जाएँ। सना, आप बताइएगा कि अब क्योंकि डिज़ाइन तो बहुत सारे मार्केट में आते हैं, ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत सारे माशाल्लाह एक्टिव डिज़ाइनर्स जो है वो काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन बड़ा टफ होता जा रहा है, किस तरह इसको हैंडल करती हैं, और किस तरह लोगों की जो चॉइसेस हैं खासतौर पर ख़वातीन की, कैसे ख्याल रखती हैं, क्या प्लानिंग होती है इस हवाले से? वाकई में कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी जो क्लाइंट्स हैं वो हमेशा इसीलिए मुझसे खुश रहती हैं कि मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ, कॉम्बिनेशन पर ज़्यादा काम करती हूँ, चीज़ों को मिक्स करके कुछ एक नई चीज़ बनाना और अपने आप को अपडेट रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप इतना सोच के काम कर रहे होते हैं तो आपके क्लाइंट्स कहीं नहीं जाते, इवन वो वेट कर रहे होते हैं कि कब आपकी कलेक्शन आएगी या कब। तो मुझे कभी इतना ज़्यादा कंपटीशन किसी से करना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा वैसे भी जो सारा फोकस है वो अपने काम पे ही रहा है हमेशा, इधर उधर क्या हो रहा है मुझे इससे कभी कोई ना लेना देना था ना है। हाँ, मैं अपडेट रहती हूँ डिज़ाइंस को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसके अलावा मुझे किसी और को देखने का ना टाइम है ना फुर्सत। एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंटली, वो ये कि अब पहले तो ये होता था कि डिज़ाइनर्स की आउटलेट्स होती थी अपनी, और फिर वो जो है क्या कहते हैं उसी तक महदूद रहते थे। अब सबसे मीडिया आ गया है, जब से इतने चैनल्स आ गए हैं, इतने सारे मॉर्निंग शोज आ गए, तो उसमें मीडिया से आपको बहुत ज़्यादा इन टच रहना पड़ता है, क्योंकि आपका वही सोर्स है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप थ्रू वे आप जो है अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लोगों तक अपने डिज़ाइन चीज़ें पहुँचा रहे हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंटली, अब जैसे ये फेस्टिवल्स हो गए, अब हम तो बिजी होते ही होते हैं, हमें लगता है कि आप लोग भी शायद बिजी रहते ही होंगे, क्योंकि अब जैसे अब ये ईद की चल रहे हैं, डे शोज चल रहे हैं, ट्रांसमिशन चल रहे हैं, तो उस पर फौरन फोन आता होगा, सदना आए ये दे दो वो दे दो, ये फलां होस्ट कह रहा है, फलां चैनल कह रहा है, तो क्या इन डेज में भी अब बिजी लाइफ गुजरती है पहले के मुकाबले में? बिल्कुल ऐसे ही है, होस्ट हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, कुछ एक्ट्रेस भी हैं, और मीडिया से तो मेरा काफ़ी पुराना वैसे भी ताल्लुक है, क्योंकि काफ़ी ड्रामे हैं जिसमें वार्डरोब कर चुकी हूँ। अभी लेटेस्ट मैंने बाबा जानी की स्टाइलिंग की है, फैजल कुरैशी का जो आ रहा है, तो आप लोगों से तो मेरा ताल्लुक वैसे भी काफ़ी पुराना है और रहा है। और वाकई में जितना आप लोग बिजी होते हैं, हम भी पीछे से बिजी होते हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगना, आपको अच्छा दिखना, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होता है। बिल्कुल। अच्छा, और ये कितना मुश्किल लगता है, कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि खुद की, क्योंकि अब डिज़ाइनर्स बहुत हो गए, इंडस्ट्री बहुत बढ़ती जा रही है, रोज़ाना मैं देखती हूँ कि कोई 5 से 10 नए डिज़ाइनर्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल, मतलब ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जिसने इन 8 से 10 सालों में मेरे ख्याल से ग्रो किया है, किसी और इंडस्ट्री ने इतना ग्रो नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और रोज़ाना की तादाद में देख रहे होते हैं कि 5 नए डिज़ाइनर आज लॉन्च कर रहे हैं, 10 नए डिज़ाइनर्स अपनी कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। तो अच्छा, वो जो पहले टिपिकल ट्रेंड होता था ना कि जी आप जाते थे मॉल में और जी 10 ब्रांड होते थे और बस वो सिलेक्टेड, अब वो माहौल नहीं रहा है, अब वो 10 की जगह कोई 1000 ब्रांड। उसकी वजह मैं बताऊं क्या? उसकी वजह यासिर भाई जैसे लोग क्या हर औरत की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं क्या अच्छी लग रही है, क्या अच्छा ड्रेस है, और जो जेन्युइन इन जैसी बनाती है ना उनके ऊपर जो होती है खातिर की ड्रेस है यार, वेरी गुड, क्या कार्ड खेला आपने, जबरदस्त। अच्छा, इससे तो आप करेंगे आप नदीम और यासिर की पुरानी आपस में दोस्ती है, इसलिए मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये है कि नदीम साहब और यासिर आपस में
ठीक है। मैंने कल देखा यहाँ से खातून को कह रहे थे बहुत खूबसूरत, मैं सोचता रहा कि ये खूबसूरत किस चीज को कह रहे हैं, वैसे तो तमाम खवातीन खूबसूरत होती है जी, जिस तरह आपने तारीफ करना शुरू किया मैंने कहा मेरी तो कोई तारीफ करेगा नहीं यहाँ से, आज आपने यहाँ से मेरी तारीफ करनी है। अभी आपकी तारीफ बल्कि आप ही की तारीफ करता हूँ। मैंने भी डिजाइनर का पहना हुआ पर वो सस्ता वाला रिदा। वैसे एक बहुत अच्छी चीज मैंने भी पिछले एक साल में देखी है कि जो काफी डिजाइनर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ एक मैं नहीं बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं और वो इतना अपडेट रहते हैं, जो वो कर्ट्स लेकर आते हैं, अब आजकल थोड़ा सा वेस्टर्न कर्ट्स चल रहे हैं तो उसको वो ईस्टर्न में कैसे लेकर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं वो देखने वाली चीज़ है। तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, ओवरऑल बहुत मेहनत हो रही है और सब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसीलिए इस फील्ड ने इतनी ग्रो इतना जल्दी इतना ग्रो किया है। अच्छा सर, एक चीज़ हमेशा जानना चाहते हैं, हमेशा डिज़ाइनर से पूछते हैं कि काम करने में किस में मज़ा आता है, ब्राइडल पे काम करने में मज़ा आता है, फॉर्मल में आता है, सेमी फॉर्मल में आता है, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होती है? मुझे तो ज़्यादातर कैजुअल में ही आता है क्योंकि वो जो आप उस पर जो काम कर रहे होते हैं और डेली बेसिस पे जो वो लोग पहन रहे होते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट लगता है। लेकिन ब्राइडल और उन चीज़ों पे भी जब आप कोई नई चीज़ बना रहे होते हैं ना तो आपकी अपनी खुशी होती है, वो कि आप अपना कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ अपनी चीज़ उसमें डाल रहे हैं, तो जब वो सेटिस्फेक्शन है, वो जो खुशी होती है वो, और जब वो ब्राइड पहनती है तो फिर हाँ अच्छा लगता है। अच्छा आजकल ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड में क्या है आजकल? अच्छा माशाल्लाह इतना अच्छा कोई ट्रेंड चल रहा है रिदा कि आप कुछ भी पहन लें आप आउटडेटेड नहीं लगते। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, सारी चीजें यही हो गया। अच्छा मैं अपने सारे दोस्तों से ये पूछ लूं, सर ये बताइएगा मैं और आप नहीं इल्जाम बरी कर देते हैं अब आप दोस्तों की तरह। ये बताइएगा कि हम लोग क्योंकि फॉर्मल वेयर ज़्यादा होता है हमारा, सूट और टाई में आपको पता है हमें रहना पड़ता है, तो ये सूट एंड टाई का जो सिलसिला ये रहता है और ये मॉर्निंग से शुरू होता है इवनिंग तक जारी रहता है, इवनिंग में भी हमें वही पहनना पड़ता है, इवन ये कि अगर किसी इवेंट पे भी जाते हैं तो वही कैरी करते हैं, तो ये फॉर्मल से इनफॉर्मल का सफर कैसा होता है क्योंकि हमें तो मौका नहीं मिलता। पूरी दुनिया के अंदर फैशन इंडस्ट्री बूम कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि फैशन के डायनामिक्स चेंज हुए पूरी दुनिया में, वेस्टर्न देखें ईस्टर्न देखें पूरी दुनिया के अंदर दो कलर तो बहुत ही हमेशा इन होते हैं, एक वाइट दूसरा ब्लैक, हर दौर में आपको इसको इन और आप देखेंगे क्योंकि मुझसे बेहतर जमी। दूसरी बात है कि कॉम्पिटेटिव एज है, यहाँ कॉम्पिटिशन है, जितनी चीज़ अच्छी देते हैं देखें क्वान्टिटी पर नहीं जाएँ क्वालिटी पर जाएँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता क्योंकि आप और हम भी जब शो करते हैं तो क्वालिटी पर जाते हैं, कॉन्टेंट होना चाहिए, बेहतर चीज़ होनी चाहिए, जिस तरह इन्होंने कहा कि हर रोज़ जो है हर महीने जो है मुख्तलिफ ब्रांड आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो है ना डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिशन अपनी जगह है एक बात। दूसरी बात ब्रांड एंड ब्रांड के फ़र्क क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होती है और कुछ भी नहीं होता, फैब्रिक होता है, डिज़ाइन होता है, स्टिचिंग होती है, ये सब चीजें काउंट होती है। अब तो ब्रांड्स ही हो गए ना, अब ब्रांड्स ही हो गए, काफी लोग हैं, काफी लोग मुझे ये सिलसिला हो गया है कि प्राइस जो है ना कैटेगरी मेंशनड हो गई है कि अब वो 1000 रुपए वाला भी ब्रांड है, 1000 वाली कैटेगरी भी ब्रांड की है, मतलब पहले तो सिर्फ ये काफी मेरे लोग आपके मेरे काफी जो पॉलिटिशियन से बेहतरीन लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि वो बेहतरीन ब्रांड पहनते थे इंटरनेशनल, लेकिन आजकल जो है ना कराची के जिस तरह मैडम है जिस तरह उनके ब्रांड पहन रहे हैं, मैं उन मिनिस्टर्स को जानता हूँ, खवातीन को जानता हूँ, एमएनए को जानता हूँ, देखें ये नहीं है इंपॉर्टेंट चीजें क्या कहते हैं आपका फैब्रिक आपकी स्टिचिंग आपका डिजाइन आप किस तरह कर रहे हैं तो ये चीजें मैटर करती ठीक है ना। नहीं मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या कहते हैं ऐसे ही हो गया है मेरे ख्याल से कि अब 1000 वाला ब्रांड भी हो गया है, 10000 वाला भी है, वो 1 लाख, लेकिन है वो ब्रांड ही, क्योंकि अब हमारी मासी भी कह रही होती आके कि वो बाजी मुझे तो फला ब्रांड पहनना है और ये ब्रांड पहनना है, आपने पहना ब्रांड हो गया, मैंने पहना ब्रांड नहीं हुआ, तो बात आपने इलाज कर दिया। जब खूबसूरत खवातीन पहनती है तो ब्रांड हो जाता है और उसी खूबसूरत खवातीन ये सुबह सुबह खूबसूरत खवातीन का तस्करा क्यों हो रहा है और नदीम साहब एक चीज बड़ी अच्छी कह रहे हैं, खूबसूरत आदमी बराबर में बिठा देती है, यही खवातीन यासिर ने क्या जबरदस्त कपड़े पहने तो वो ब्रांड हो जाएगा, इसलिए इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। ना यासिर मैं एक चीज कह दूं, एक चीज कह दूं, देखें ब्रांड मैटर करता है अपनी करता है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक वाकया आपको बताता हूँ, मैं यूएसए में जब था न्यूयॉर्क में था तो मैंने एक घड़ी देखी राडो की, मैंने वो परचेज करने के लिए, तो मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, वो था पाकिस्तानी था जैसे मैंने कहा, ये भी तो घड़ी है,
कह रहा था ये टाइम बताती ये औकात बताती वाह 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 क्या बात कि चीजें मैटर करती हैं क्वालिटी मैटर करती है ब्रांड मैटर करता है सर मैं एक ब्रांडेड जीन्स खरीद के लाया मेरे बेटे ने कहा ये क्या फटी हुई लेके आया वो डिजाइन था वो ब्रांड का डिजाइन था वो फटा हुआ नहीं था पर बेटे ने कहा अब्बा फटी हुई पैंट लाया मेरे लिए यूरोप से अच्छा बस करें आप सब लोग बहुत बोले मैं मरियम से बात करूंगी मरियम मैम आपको सबसे अच्छा क्या लगता है पहनने में पैंट शर्ट और कौन सी उसकी डिजाइन की या ब्रांड की या कलर की क्या पसंद है आपको कौन सा कलर पसंद है पिंक पसंद है पिंक कलर तो पिंक कलर के ज्यादातर आउटफिट्स होंगे फिर आपके पास तो पापा को कौन सी पसंद है कौन सी जीन्स पसंद है पापा को किस कलर की डार्क कलर भाई पापा का पता है भाई वेरी गुड और आपको आपको जीन्स में कौन सा कलर पसंद है लाइट कलर पसंद है ठीक है ऐसे वाले कपड़े नहीं पसंद जो आज पहने आपने क्यों चुपता है बस भाई बच्चों की यही कहानी है कि चुपता है उनको जो है ना लेकिन प्यारे इसी में ही लगते हैं अच्छा ये आप ये बताइए कि ये इतने प्यारे आपके बाल हैं माशाल्लाह से तो कौन केयर करता है मम्मा केयर करती हैं तो कटवाने नहीं देती बाल क्या अच्छा आप बोलती है कि नहीं कटवाने आपको लंबे बाल पसंद है ठीक है सही है अच्छा ठीक है जी अच्छा सही है एक ब्रेक लेंगे जी ब्रेक गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी है और मुख्तलिफ मेहमानों का सिलसिला भी जारी है एक बाद एक मेहमान हमारे पास यहाँ पे हमें ज्वाइन करते रहेंगे लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक चीज और यहाँ पे तस्करा करूँ कि आप भी बजरिया कॉल हमारे साथ शामिल हो सकते हैं जी प्रोग्राम के अंदर और आप भी बता सकते हैं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है जी साथ ही साथ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने बड़े ब्रेक के बाद आप सारे सिटी देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कराची ईद स्पेशल हमारे पूरे चैनल की तरफ से आपको ईद मुबारक और बड़े खास मेहमान हैं बिल्कुल और सिर्फ मैं और यासिर नहीं आज होश कर रहे प्रोग्राम हमारे साथ तीसरी होश भी है हमारी है ना मरियम मैं तो कहूँगा कि आप इस शो को टेक ओवर कर लो और हमारी जगह आप ये शो करना शुरू कर दो कैसा रहेगा ये बताएं अगर आपको ये शो होस्ट करना पड़े ये तो पापा को ही बिठा नहीं पसंद नहीं पड़ेगा पापा को बिठा लेना पसंद नहीं पड़ेगा पापा भी तो शो होस्ट करते हैं ना पापा को बिठा लेना पापा को ही कराओगे ठीक है तो पापा बेटी दोनों मिलकर करेंगे मैं एक चीज कंप्लीट करूं एक चीज कंप्लीट देखें सबसे पहली बात ये है कि हम सोसाइटी क्योंकि हमारे प्रोग्राम से जो मैसेज जाए वो बेहतरीन जाए बिल्कुल बहुत अच्छी बात वी आर सोसाइटी हम ही सोसाइटी को बनाते हैं हम ही सोसाइटी को खराब करते हैं आप जो लोग बैठे यू आर द रोल मॉडल्स ओपिनियन मेकिंग करते हैं हम लोगों का जहन साजी करते हैं शख्सियत साजी करते हैं हमारा सबसे ज्यादा पॉजिटिव मैसेज है सोसाइटी के अंदर दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अपनी अना को खत्म किया जाए दरगुजर किया जाए क्या अच्छी बात आज जो कुर्बानी है ना ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए इस सोसाइटी के लिए भी अपने आप को कुर्बान करें बहुत अच्छी बात टाइम दें सोसाइटी को अपने मुल्क को बनाएं घर का कचरा जो है ना रोड पे नहीं फेंके क्योंकि जब तक हमारी ओनरशिप नहीं होगी
कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगी सोसाइटी के लिए, देखिए हम एज अ मुसलमान बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप वो नहीं करते ओनरशिप नहीं है, प्रॉब्लम ये हमारे मुल्क के अंदर हमारे यहाँ का ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों का कि हम ओन नहीं करते, अपनी चीज को ओन नहीं कर रहे होते। ये इशू है। नदीन साहब आपकी जाने में आऊंगी, क्या मैसेज देंगे आप? मेरा मैसेज यही है कि देखिये मोहब्बत 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 जितनी हो सके मोहब्बत करें, नफरतों को जगह ही ना दे। और ये जब नफरत आती है ना, इसे अपने आप तक रखे, आगे पास ऑन ना करें। हमारा ये होता है कि दफ्तर में जब गुस्सा आता है किसी बात पे, नीचे बेचारे जूनियर पे गुस्सा उतार देते हैं, जूनियर घर जाते हैं अपनी बेगमात पे उतार देते हैं, बेगमात जाती हैं बच्चों पे उतार देते हैं, ये गुस्से का सिलसिला चलता रहता है, इसे वहीं मार दो जहाँ शुरू होता है। यानी कि मोहब्बत का पैगाम सिर्फ ये ना हो कि आपका, जैसे कहते हैं ना लड़की लड़कियां जवानी में आई लव यू आई लव यू आई लव यू, शादी हो गई जो है वो कर फिर उसके बाद वो लव खत्म हो जाता है, यू रह जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ तो क्या लड़के नहीं करते, मतलब सिर्फ लड़के ही लड़के लड़के ही लड़के, नदीम साहब विक्टिम है, नदीम साहब विक्टिम है, एग्जैक्टली तभी ऐसा लग रहा है, क्या बात हो गई नदीम भाई, क्या हो गया? पहले एक दोस्त ने मेरे शेर लिखा था, उस जमाने में संडे बाजार होता था, कब तक छुपोगी फूलों के आड़ में, कभी तो मिलोगी संडे बाजार में। तो बात ये होती है मोहब्बत ढूंढने में कहीं पर भी मिल जाती है, संडे बाजार में भी मोहब्बत, संडे बाजार में भी मोहब्बत मिल जाती है। सना क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बेहतर करनी है तो आप पहले दूसरों की जिंदगी बेहतर करें, क्योंकि जब तक आप दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। बहुत खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमान का। वैसे अभी इम्तियाज को तो मैंने रोका भाई है, लेकिन बाकी नदीम साहब आपका और सना आपका इतनी मशरूफियात है और आगे मुख्तलिफ शोज में जाना है मुझे पता है, दूसरे और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जा रहे हैं, उसके बाद मजीद मेहमान इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। वेलकम बैक, एक मतलब फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक आप सबको जी, और जहाँ जहाँ हो खुश रहें, खैर आबाद रहें, आप लोग की खुशियों का बजा जो है वो दुबाला हो इस ईद के सदक़े में जी। और साथ ही साथ मुख्तलिफ मेहमान मजीद हमें यहाँ ज्वाइन करें, इससे पहले भी आप देख रहे थे मेहमानों का सिलसिला जारी है यहाँ पर, और ये तीन दिन ईद की ट्रांसमिशन में ऐसे ही होता है, जब भी कोई ओकेजन होता है तो मेहमान हमारे सेट पर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनका आना जाना लगा हुआ होता है मुख्तलिफ शोबाजात से, मैंने पहले भी कहा था। तो जी अभी हमें ज्वाइन किया है जी एमडी वाटर बोर्ड है इसका कायम मकाम असदुल्लाह खान साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो वेरी मच, क्या आपने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला और आज के दिन आपको बुला ही लिया। मैं हमेशा हाजिर होता हूँ जब आपकी कॉल होती है, बिल्कुल मैं हाजिर होता हूँ। ठीक है जी, और साथ ही साथ इम्तियाज तो बैठे ही हैं, और इम्तियाज आपको पता है सहाफ़ी हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं जो निजी चैनल से, लेकिन अब हमें और मजीद ज्वाइन किया मेहमान ने, दुआ ने भी ज्वाइन कर लिया, मेरी बहुत प्यारी सी सियासतदान है जी,
और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जितनी खवातीन सियासत में आती हैं बड़ी क्यूट क्यूट सी होती हैं, प्यारी प्यारी सी होती हैं, यूजुअली ऐसा होता है। मेरी भाभी भी अपनी बड़ी खूबसूरत सी, उनकी भी मैं हमेशा तारीफ करती रही हूँ रुबीना की, और दुआ को भी जो है वो खुश आमदीद कहते हैं। रुबीना ईद मुबारक, थैंक यू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी, कैसी गुजरी है ईद? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गुजर रही है। और कुर्बानी हो गई पहले दिन, दूसरे दिन या क्या सिलसिला रहता है? कुर्बानी पहले दिन हो जाती है, पहले दिन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होती है रूटीन? उसके बाद ये है, मेहमानों का आना जाना रहता है, फिर कहीं इनवाइटेड रहते हैं, फिर क्योंकि रिलेटिव्स का अक्सर शिकायतें रहती हैं कि जी उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, तो ये ओकेजन्स जब भी आते हैं, ऐसे त्यौहार आते हैं, तो एक मौका होता है कि फैमिली के साथ अच्छी तरीके से। ईद पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है, बिल्कुल। अच्छा, पार्टी की तो मसरूफियत यकीनन रहती ही है और मिलने मिलाने वाले आते रहते हैं, लेकिन पार्टी के हवाले से और खास तौर पर ख़वातीन जो सियासत में एक्टिव हैं, बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के जो सियासत में किरदार है वो बहुत बढ़ गया, तो यकीन है मसरूफियत। असदुल्ला साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि फ़ोन तो सारा दिन बजता रहता है, अब ईद पे पैगाम ज़्यादा मुबारकबाद के आते हैं ईद के हवाले से या शिकायत? पानी नहीं आ रहा। देखिए जी, जहाँ तक मेरी जॉब का ताल्लुक है या मेरे जो इंजीनियर्स हैं, हमारी ईद तो होती है लेकिन कोई छुट्टी नहीं होती है, ना सैटरडे ना संडे ना ईद, कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है। इत्तफाक की बात है, आपके चैनल से भी सारी खबरें निकल जाती हैं कि ईद वाले दिन साइट एरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई। अब आग लग गई तो क्योंकि हमारे हाइड्रेंट्स जो हैं, उन्होंने ड्राइवर्स ने कहा था कि जी एक ईद का दिन है, हमें छुट्टी दे दें, तो हमने उन्हें अलाउ कर दिया था। हाइड्रेंट्स तमाम बंद थे, रात को 8 बजे इतला मिली कि जी आग लग गई है। उसके बाद वो हाइड्रेंट्स फौरन ऑपरेट करवाए, टैंकर्स मंगवाए, पानी वहाँ पहुँचवाया। 3rd degree की आग थी, लेकिन उसको मैंने खुद मॉनिटर किया। 2nd day इट्स अ बैड लक कि फिर अवामी मरकज़ के अंदर आपने देखा था आग लग गई थी, सुबह मॉर्निंग के अंदर, अर्ली इन द मॉर्निंग, दैन अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब उसको मैनेज किया। रात 2 बजे तक हमने साइट एरिया को मैनेज किया और सुबह 5 बजे 5:30 बजे करीब ही अवामी मरकज़ का हो गया, दैन उसको मैनेज किया। तो ईद बस ईद ही होती है, लेकिन क्योंकि जितने भी हायर अप्स हैं, नॉट मी, जितने भी हायर अप्स हैं, अब ईद वाले जिन दिन जिस दिन ये कुर्बानी है उस दिन जो है वो मिनिस्टर हमारे लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब पूरे कराची शहर के दौरे पे थे, उन्होंने पूरे शहर का दौरा किया और उनके साथ मैं था, तो मैं तो सिर्फ यूँ समझे कि घर पे जो है वो सेरेमोनियल के तौर पे था, बस सिर्फ वो कुर्बानी की जिसको कहते हैं छुरी फेरना वो करके, देन आई लेफ्ट फॉर द सिटी विजिट विद मिनिस्टर। तो मैंने फिर वो मिनिस्टर के साथ सारा विजिट किया, रात की और रुजात बता दी, कल की रुजात बता दी, और आज की रुजात ये है कि मैं आपकी खिदमत या खदमत में मैं हाज़िर हूँ। तो ये है मेरी जिंदगी, बहुत मुश्किल। अच्छा, ये बताएं कि क्या कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना, ये बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन हमारी आपकी जिस तरह की रूटीन होती है, फैमिली सबसे ज़्यादा शिकायत करी होती है कि फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है और ओकेजन्स पर भी नहीं दे रहे, तो कितना मुश्किल होता है ये मैनेज? देखें, जितनी भी जितने जितने जैसे जैसे आप सीनियर पोस्ट पे जाते हैं ना, वैसे वैसे आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। आपके पास टाइम नहीं होता है, आप टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे सकते, और फैमिली बहुत ज़्यादा शिकायत करती है कि जी आप टाइम बिल्कुल नहीं देते। लेकिन क्योंकि इस ये शहर जो है, इस शहर के लिए काम करना है और मेरी मनसब में ये शामिल है कि शहर को पानी पहुँचाना है, तो मैं फिर अच्छा इसी दौरान में ये कॉल हैं, मतलब ईद वाले दिन भी, ईद के 2nd day भी और आज 3rd day भी, मतलब तकरीबन 100-125 कॉल जो हैं वो अटेंड करनी पड़ती हैं। ओह माय गॉड, 100-125 जी, ठीक है। तो अच्छा, हर एक को जवाब देना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है, फिर पानी, जैसे कि आपको पता है कि कराची शहर के अंदर, मैं टेक्निकल आज डिस्कशन नहीं करूँगा, ये ईद का मौका है, मेहमान भी इसमें बोर हो जाएंगे, तो पानी कम है और डिमांड ज़्यादा है, उसको मैनेज करने के लिए फिर पानी को डाइवर्ट करना पड़ता है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन मुझे बराह रास्त देनी पड़ती हैं, कुछ हमारे इंजीनियर्स खुद मैनेज करते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा होता है डाइवर्जन तो फिर मुझे उनको इजाज़त लेनी होती है कि हमें डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो करते हैं। लेकिन ये खुदा का शुक्र हुआ कि इस दौरान में इलेक्ट्रिक का कोई फॉल्ट नहीं आया, ईद में, ईद के 2nd day में या ईद से एक दिन पहले कोई इलेक्ट्रिक का फॉल्ट नहीं आया। आई एम थैंकफुल टू के इलेक्ट्रिक के, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और धाबीजी मेन पेन पंपिंग स्टेशन जो है, मुझे यही डर था कि किसी वक्त भी अगर धाबीजी पे ब्रेकडाउन आ गया तो सारा सबोताज हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये डिस्कशन हमारी जारी रहेगी, बल्कि ईद का दिन है, ईद के हवाले से जो हमारे मेहमान हैं उनकी मसरूफियत पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाएं, देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
बैक, एक मिनट बाद फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद स्पेशल में आपको खुश आमदेद कहते हैं जी, और सबको आप एक मरतबा फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद, जहाँ जहाँ आप हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं आप सबको ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हों। परवरदिगार ऐसे ही ये अच्छे दिन हम सब पर कायम दायम रखे अपने, और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमेशा से हमारी दुआ यही होती है आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और आपकी ईद कैसी गुजरी आप बता सकते हैं जी, स्क्रीन पर नंबर चल रहा होता है बजरिया कॉल, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी ईद कैसी गुजरी है। आज के वार्डरोब की एक दफा जिक्र कर लेते हैं जी, आज के वार्डरोब में स्पॉन्सर क्या है जी, मेरा वार्डरोब स्पॉन्सर क्या है सनूबर सिद्दीक ने। बिल्कुल, और मेरा जो वार्डरोब स्पॉन्सर किया ANP है डिजाइनर अकबर एंड बाबर, तो उनकी जानिब से ये आज ईद के लिए खसूसी वार्डरोब जो है वो भेजा गया। थैंक यू सो वेरी मच हमारे दोनों डिजाइनर्स के, उन्होंने हमारे साथ तावन किया। और गुफ्तगू हमारी जारी थी, ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद थे, और यकीनन ईद का तीसरा दिन है और आज भी क्योंकि ईद है तो मसरूफियत तो सबकी ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग तशरीफ लाए, एक बार फिर आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा अयास भाई, आपसे जरा इस बारे में बात हो जाएगी, जैसे अभी बात हो रही थी बहुत सबकी जॉब बड़ी टफ हो गई है। पहली बात सर, जो साहब की तो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट दोनों मेहमान बड़े इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में। सबसे पहली बात ये है कि पानी जिंदगी है। बिल्कुल ऐसे, कराची वो वाहिद मजलूम शहर है जिसको हम हर किसी ने लूटा है, और ये वाहिद शहर है जो सबको खिलाता है पूरे पाकिस्तान। जी, जी, जी। पूरी आबादी पूरे पाकिस्तान से इस शहर के अंदर आती है। बिल्कुल ऐसे, और इस शहर को किसी ने दिया नहीं, इस शहर को हमेशा लिया गया है, प्रायोरिटी नहीं रही। जी, बड़ा मसला क्या है, ऐसा ही है। देखें, ब्यूरोक्रेसी है, पानी की डिमांड है, मरकज इरसा CCI है, ये बात कर करके कराची को पानी दिया जाए, कराची को पानी नहीं दिया जाए। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां आपको नजर आती है ना, अभी इमरान खान भी आ गए, इससे पहले नवाज शरीफ थे, कराची को पानी नहीं देते थे, प्रायोरिटी नहीं रही उसकी। सबसे वजह क्या है, जी, वो नहीं पड़ा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब तक जैसे खान साहब बैठे हैं, इस ब्यूरोक्रेसी डीपोलिटिसाइज की जाए, खुदारा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल, मिनिस्टर इन्फ्लुएंस नहीं करे, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करे कि पानी किसको नहीं दे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आप इनके दिल की तर्जुमानी करें। मजीद बात करते हैं, एक लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है, कहां से? वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ कराची से। आप लोगों को, पूरी टीम को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक रुखसाना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और वृद्धा में आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, आप दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आज आप दोबारा से बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छे ड्रेस के साथ वापस आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी तारीफों का, इसी तरह से आप लोग के प्यार का। और कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। और आज मैंने जो फोन किया है उसकी वजह एक ये भी है कि एक तो ये कि आप सबके इतने अच्छे अच्छे मेहमान बुला रही हैं आज सारे दिन सुबह से, और दूसरा ये कि मैं उन सबको बहुत सलूट करती हूँ जो हम लोग की सरहदों पे इस वक्त मौजूद हैं, जो अपने घरों से बहुत दूर हैं, और हम उनकी कुर्बानी को, हम कहते हैं कि उनकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करे कि उनकी ये कुर्बानी है कि वो हम लोगों की खातिर, हम लोग की हिफाजत की खातिर सरहदों पर इस वक्त मौजूद हैं। और दूसरे शोबों में जैसे भी आपके एक मेहमान कह रहे थे कि सारा दिन उनका बाहर गुजरा ईद पे हम लोगों के ही लिए, तो वो दौरा कर रहे थे, हर तरफ जा रहे थे और देख रहे थे। और मुझे इस बात का अफसोस है कि ईद के दिन की छुट्टी के दिन जो आग लगी है मुख्तलिफ जगहों पर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक से ये आग लगने का सिलसिला पूरे मुल्क में शुरू हो गया, कभी कहीं कभी कहीं। तो अल्लाह ताला हम लोग की मुल्क की हिफाजत करे और इस किस्म के हादसात से, चीज़ों से बचाए, और हम सब इन सब के, हम लोग की कुर्बानियाँ अल्लाह ताला कबूल करे। जिन लोगों ने वो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी भी बहुत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रुखसाना सैदी, आपने प्रोग्राम में कॉल की और अपना वक्त दिया, और इस खुसूसी प्रोग्राम में आपने अपने ख्यालात और इतने अच्छी अच्छी तारीफें करके आपने हमारा 2-4 किलो खून बढ़ाया, बहुत शुक्रिया आपका। असदुल्लाह साहब आपकी जाने माऊंगी, ये बताइए कि अभी तक जो है ये जो 3 दिन गुजरे हैं ईद के, और अभी तो गुजर भी रहा है, सबसे ज्यादा जो मसरूफियत होती है वो कौन से दिन में होती है, घर वालों के एतबार से घर को टाइम देते हैं, या उनकी वो जो मेरा सवाल था वो बीच में रह गया था, या उनको शिकायत ही रहती है? उनको हमेशा शिकायत रहती है। अच्छा, बिल्कुल हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। इतना प्राउड होकर बता रहे हैं, उनको हमेशा मुस्कुरा के मुझसे शिकायत, मतलब ये कोई फखर की बात नहीं है कि घर वालों को शिकायत, ये हम लोग इतने ज्यादा क्या हो गए, ढीठ हो गए कि हम मतलब खुशी खुशी रहते, घर वालों को हमेशा शिकायत रहती है, मुस्कुरा के बता रहे हैं। खासतौर पर बेगम को तो शिकायत रहती है, मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं उनको टाइम नहीं देता हूँ। और नेचुरली जैसे आपने बताया कि ईद का जो मसरूफ दिन जो होता है वो प्री
ईद डे जो होता है, जो ईद से एक दिन पहले का दिन होता है, चाहे वो ईद उल फितर हो या बकरीद हो, इससे एक दिन पहले खास तौर पे बकरीद के वक्त उसके पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप धुना धुलाना आपको पता है इसमें ज़्यादा। तो ईद से एक दिन पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरे कराची के अंदर पता नहीं क्या हो गया है, और इसको मतलब कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो रहा था कि कभी लांडी कोरंगी के अंदर पानी का शॉर्टेज, फिर उसी के साथ उसके साथ ही एकदम फेडरल भी एरिया, फिर न्यू कराची, तो हमें पानी को बार बार जो है स्विच ओवर करना पड़ रहा था। अच्छा, ये तो आपको पता है, फिर टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी और आई डोंट वांट टू डिस्कस आज ईद के दिन, मैं नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज दुआ से पूछना चाहूंगा। जी जी, दुआ, सर आप ये बताइएगा कि एग्जैक्टली आप पूछ लें या मैं पूछ लूं, मैं पूछ लेती हूँ। तो आप ये बताइए कि सियासी जो सरगर्मियां हैं वो भी ईद के दिन चल रही होती होंगी, लोग आ रहे होते होंगे मिलने के लिए, ये काम नहीं हो रहा अभी भी, क्योंकि ऐसा होता है कि आप चाहे मनसब पर हो ना हो, लेकिन जो लोग आपके आस पास होते हैं, जो इलाके के खासतौर पर लोग होते हैं, उनको बड़ी उम्मीदें होती हैं, क्यों कहते हैं अच्छा ये काम नहीं हो रहा, फला शख्स के घर चलते हैं, वो पार्टी का रहनुमा है, वो बाजी हैं, वो हैं जो भी वट एवर करके, कि जी उनके पास जाना है, उन मैडम के पास जाना है, इनके पास जाना है, ताकि वो हमारा शायद मसला हल करेंगे, और खासतौर पे मिलने के लिए बाकायदा आते हैं इसलिए ईद पर भी, क्योंकि लोगों को उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो ये किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, जितने भी वो तमाम इदारे हैं जो कि आवाम से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड हैं, और खासतौर पर सियासतदान भी, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको उन्हीं के पास होना होता है, तो ये जो जितने भी त्यौहार हैं वो फैमिली से ज़्यादा आपको उनको अहमियत देना ही देना होती है। और मेरे ख्याल से जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उन तमाम लोगों को मैं समझती हूँ, उनकी फैमिलीज़ को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस तरीके से वो एक बड़े कॉज को देखते हुए अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को वो तमाम पीछे छोड़ के और वो कॉपरेट करते हैं, कि आपके अगर पेरेंट्स कहीं इन्वॉल्व हैं इस तरह से, तो फिर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और बुरा ना मानना, और बल्कि फिर उस चीज़ को देखें। अभी यहाँ पे आपने देखा है ख़ास तौर पे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, कि अगर वालिदैन किसी पेशे में हैं तो बच्चे भी वहीं पर ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो वो ये कि आपका अच्छा किरदार बच्चों को इतना मुतासर करता है, कि जैसे मेरे बच्चे हैं तो वो अभी से कहते हैं कि हमने आपकी तरह काम करना है। तो उसकी रीज़न ये कि आप जब एक अच्छा किरदार सामने पेश करते हैं, और जब लोग बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स की तारीफ़ कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं किस तरीके से इनकी तारीफ़ की जा रही है, तो फिर उनको शौक पैदा होता है। और मैं ये समझती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी और इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम दिनों पर बहुत ज़्यादा एक तो हमें जिसको कहना, ये जो पब्लिक सर्वेंट कहलाने वाला जो एक टैग है, तो वो सही मानों में इन दिनों में पता चलता है कि आपके एक मुकद्दस दिन हैं, जितने भी मुकद्दस त्यौहार हैं आपके या कोई और सेलिब्रेशन है, तो आपको अपनी फैमिली से ज़्यादा फिर आवाम को देखना। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ख़वातीन, क्योंकि इस बड़ी ईद पे कुकिंग वगैरह का ज़्यादा उनका रुझान होता है, और बहुत सारे आपको पता है कि फिर पकवान बनते हैं घर में, और मसरूफियत ख़वातीन की ज़्यादा बढ़ जाती है मर्दों के मुकाबले में। मर्दों की ईद से पहले रहती है, ख़वातीन की ईद के बाद रहती है। इस हवाले से कितनी मसरूफियत रही आपकी? हाँ, बड़ा एक बच्चों को भी होता है कि अब नज़र आ रहे हैं कहीं पर, और फैमिली डिमांड करती है कि भाई ईद वाले दिन तो आप कोई, हमने किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, हम फला चीज़ खाना चाहते हैं, इस तरह। तो एक फरमाइशी प्लान जो है वो चलता रहता है, मुख्तलिफ बच्चे भी हैं या और मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कहते हैं कि जी आपने कोई भाभी, कोई ताई, कोई मामी कह के जो है उनकी कॉल्स आ रही होती हैं कि भाई ईद वाले दिन तो आपने हमारे लिए कुछ ना कुछ खास करना है, तो वो फिर करना पड़ता है। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं, जब जैसे अब हम भी, क्योंकि हम आपस में भी हम लोग एक फैमिली हो गए हैं, ठीक है, जब हमारी तरफ से कभी वो रहता है, कहते नहीं नहीं जी आपने लाइव शो में आने से आज हमने बुला लिया, ठीक है, और दावतें चल रही हैं, अब इसको कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि नाराज भी नहीं कर सकते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम नहीं नाराज कर पा रहे होते जानवर को अपने, क्योंकि वो दोस्त भी होते हैं करीबी, इतनी ज़्यादा बाउंडिंग हो जाती है पूरे साल, पाँच साल आके हम लोग को भी और हमें भी देख देख के वो एक बात आती है कभी कभार, मतलब ऐसी जिद बहस आ जाती है, वो कहते नहीं नहीं आपने आना है बस, तो वो कैसे मैनेज करती है, और घर में कोई कह रहा नहीं तुमने नहीं जाना क्योंकि तुम्हें यहाँ टाइम देना है, ये कैसा, जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करती है? मैंने आपको कहा ना, हमारी फैमिलीज बड़ी अच्छी हैं, और वो सारी सिचुएशन को हमसे ज्यादा समझ रहे होते हैं,
बस ये है कि वो टाइम को अच्छे से डिवाइड करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि सारे ही खुश रहें, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि आपने लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरना है, चाहे आपको कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो। अब देखें जैसे कराची शहर है, यहाँ पर ट्रैवल करना सबसे बड़ा मसला है, और माशाल्लाह हमारे शहर की आबादी जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें वो बहुत पुराना भी है और सही से बना हुआ नहीं है, तो लोग ज़्यादातर रोड्स पे हैं, तो वो उर्दू और अंग्रेज़ी का सफ़र चल रहा है, सफ़र चल रहा है, वो हम उर्दू का सफ़र अलग कर रहे होते हैं और अंग्रेज़ी के सफ़र कर ही रहे हैं। ये बताइए मुझे कि सहाफत और सियासत तो है ही, ठीक है, इसके अलावा और क्या करते हैं जब आपको अगर टाइम पास करना होता है या फ्री टाइम में, क्या आपके शौक हैं? पहली बात की दुआ ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने भी एक बड़ी अच्छी बात की, चोली दामन का साथ है सियासत और जर्नलिस्ट का, सही, वो हमारे बगैर कुछ नहीं, हम उनके बगैर। सहाफत सियासत, हां देखें सहाफत और सियासत 24 आवर्स जॉब है, ठीक है, क्योंकि आप जो है ना देखें इनके जितने भी डिनर्स होते हैं या लंच होते हैं उसमें सियासत जरूर डिस्कशन विद ड्यू रेस्पेक्ट मैयत में भी सियासत जी डिस्कस करते हैं, किसी के जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इतना हमारा रहा। दूसरी बात यह है कि हमारा सियासतदान आज ये ईद का दिन है, एक मैसेज ये भी देना चाहिए कि जिस दिन ईद होती है 98% मुसलमान है पाकिस्तान के अंदर, बाहर चले जाएं क्रिसमस में आपको 50-70% चीज़ें आपको कम रेट में मिलेंगी, यहाँ चीज़ें बढ़ जाएंगी। हम काम के मुसलमान बने, नाम के मुसलमान नहीं बने, बहुत अच्छी बात है। हमारे किरदार से, हमारे किरदार से लगे कि हम मुसलमान हैं, सिर्फ नाम लिखने से मुसलमान हर शख्स की एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी दुनिया के अंदर देखें, आप मजहबी त्यौहार देखें मजहबी जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं, लेकिन हमारा इखलाक कहाँ है, हमारी तबीयत बात अभी हो रही है सफाई के हवाले से। अब देखें ना कितना कंसर्न है लोगों का कि वो नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कितनी अदा कर रहा है ये भी तो देखिए कि आधी टाइम तो मैं देख रहा हूँ कि लोग अपना सिर्फ घर धोने में जाया कर रहे हैं, जितना इत्तेफाक से मैं आपकी तरफ आ रहा था, जी जी जी, तो जिस स्ट्रीट के अंदर से मैं इनसाइड से आया जी, लास्ट टाइम भी मैं हमेशा उसी से आता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर होती थी, लेकिन आज मैंने देखा क्योंकि अपार्टमेंट्स की साइट थी वो, तो सब ने वो धोए हैं और पूरी गली के अंदर पानी पानी, तो मैंने थोड़ा सा खड़े होकर देखा कि कहीं ओवरफ्लो तो उसका सीवरेज की किसी मैनुअल का तो नहीं, तो मैनुअल का नहीं था, बेसिकली लोग अपने घरों की धुलाई करके सफाई करके, और जितने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं उसके धुलाई और सफाई करके वो पानी सारा रोड के ऊपर आ जाता है। अब इस वक्त आपको कराची की तमाम जितनी गलियाँ हैं उनके अंदर आपको पानी नज़र आएगा, लोग ये समझेंगे कि ये सीवरेज का मसला है, बल्कि वो सीवरेज का मसला नहीं होता है, बेसिकली वो धुलाई का पानी है जो लोगों ने अपने घरों को धोया है, ये अपने एरिया को। मैं ये बात कही कि आप अपने 40-50 रुपए का ज्यादा से ज्यादा वो चूना आता है सफेद वाला वो जरूर डालें जब आप करें, उसके बाद चूंकि वो पानी भी ड्राई करता है और वो ब्लड भी ड्राई करता है और जरासीम भी मारता है, तो ये अवेयरनेस हमें मेरे ख्याल से बैठ के देनी चाहिए यहाँ, क्योंकि लोग देख रहे हैं। तो हमने ये बात यहाँ पे आज की। अच्छा मैंने आपसे जो पूछा था आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया, आप इधर उधर गुम कर गए। देखिए आपने एक बड़ी अच्छी बात की है, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें ये हल नहीं है, जानवर रोड पे जो है ना ऑब्जर्व कर स्लॉटर हाउस में जाता है, बिल्कुल ऐसे ना पूरी दुनिया के अंदर यही होता है। और दूसरी बात ये है कि आप कितना भी करें क्या भी सफाई करें, जब आप जानवर रोड पे आप ज़बह करेंगे आप उस बदबू को उस खून को, मेरे ख्याल से ये इस चीज की इस मुकद्दस दिन की तोहीन होगी, बिल्कुल ऐसे जानवर की तोहीन होगी, क्योंकि आपको स्लॉटर हाउस जाना चाहिए, आपको वही चीजें करनी चाहिए। मैंने देखा था ना सड़कों के ऊपर बेंच आ रहा हूँ पे लोग जिस तरह से कर रहे थे वो। दूसरी बात आपने जो है ना दुआ से बड़ा अच्छा सवाल किया कि पहली बात के हम पॉलिटिशियन जो होते हैं ना वो अब तक अपने आप को ये समझ ही नहीं पा रहे कि पॉलिटिक्स जो होती है वो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, आप पब्लिक को डिलीवर करते हैं, आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आप मैंडेट लेके आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सियासत होती है, बिजनेस हो गई है, सियासत हमारे लिए एमएनए एमपी बनने के लिए। आपने तो ये सहाफी कैसे ही वो यही वाली बात है ना, जैसे सियासत और सहाफत दोनों चीजें जो है वो इबादत है, और अगर इबादत समझ के करें तो क्या ही बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, एक मरतबा फिर आपको ईद मुबारक, और जो है आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है जी, इसी के साथ कि आप हमेशा जो है वो खुश रहें और आगे भी आने वाले दिनों में दो दिन मजीद जो है वो आप ईद मनाएं, क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है जी। जाते जाते आज के वार्डरोब की बात कर लें, आज का वार्डरोब में स्पॉन्सर क्या है सनोबर सिद्दीक ने, थैंक यू सो वेरी मच सनोबर सिद्दीक फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। और बिल्कुल जी हमारे जो स्पॉन्सर है आज के ड्रेस डिजाइनर हैं
उनको भी थैंक यू करेंगे, अकबर एंड बाबर ANB उनकी आउटलेट है। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें इस खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए हमारी ये स्पेशल रेसिपी भेजी। हमारे दोनों स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। मरियम थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, ज्वाइन किया आपने हमें, थैंक यू सो वेरी मच। वेल नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम का इख्तिताम और ईद की जो स्पेशल ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग कराची का जो स्पेशल सिलसिला था ये भी आज इख्तिताम पजीर हुआ। मंडे से इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, आपके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे और खबरों पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। तो आप ईद मनाइए, अपनी खुशियों में सबको याद रखिए और हम सबके लिए दुआएं करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।